अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सामी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गेम्स एंड ट्यूटोरियल्स में। आज मैं जो ट्यूटोरियल लाया हूँ वो बहुत ही यूज़फुल टूल के बारे में लाया हूँ, आप टूल कह सकते हो उसको। एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, मीडिया कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि हमें अगर MP3 सॉन्ग्स चाहिए और हमारे पास MP4 वीडियोस हैं, तो हम MP4 को MP3 में या फिर कोई भी मतलब MP4 को या फिर आप ऑडियो को वीडियो में भी बना सकते हो, ठीक है, और वीडियो को ऑडियो में भी बना सकते हो। या फिर आप जैसे कि कुछ सॉन्ग है उसका आपको कुछ एक पार्ट है जिसको आपको रिंगटोन बनाना है, तो आप उसको क्रॉप करके, ठीक है, आप उसको कट करके आप उसको सेव कर सकते हो, रिंगटोन की तरह यूज़ कर सकते हो उसको। और उसमें मतलब आप अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के फॉर्मेट में भी आप चेंज कर सकते हो वीडियोस को। जैसे कि आप MP4 हाई क्वालिटी से आप 3GP में ला सकते हो, या फिर आप 3GP से मतलब उसका थोड़ा क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी चेंज कर सकते हो। पिक्चर्स में तो उतना जो उसका ग्राफिक है मतलब होता है उतना वो तो उतना चेंज नहीं करता है, लेकिन साउंड क्वालिटी ये सब थोड़ा एनहांस कर देता है, थोड़ा अच्छा बना देता है, ठीक है। और उसमें और भी आपको मतलब बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी उसमें बेनिफिट, आप खुद ही देख लीजिएगा। और ये कुछ काफ़ी हद तक एक्सेसिबल है पूरा, ठीक है। तो चलते उस एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है मीडिया कन्वर्टर, ठीक है, मीडिया कन्वर्टर। आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। डबल टैप करते हैं, ठीक है। तो जो अब ये ओपन होगा, आपके पास बहुत सारे मतलब परमिशन आएंगे, आप सारे एक्सेप्ट करके अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे होगा डिफ़ॉल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर में रहता ही है वो जो जो फोल्डर्स में आपके मीडियाज पड़े हुए हैं, चाहे वो सॉन्ग्स हो चाहे वो वीडियोज़ हो, ठीक है, वो उस पर कर मतलब डिफ़ॉल्ट वाले में रहता है। लेकिन आप फोल्डर में मतलब अपने SD कार्ड में भी मतलब जा सकते हो। जैसे कि आपको फोल्डर याद नहीं, मतलब फोल्डर याद है लेकिन आपको मतलब पता नहीं कि यहाँ पे नहीं दिखा रहा ऐसा लग रहा है आपको, तो आप सीधा वहीं से जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए हम चलते हैं, MC लोगो है मीडिया कन्वर्टर का, ठीक है। रिफ्रेश का बटन है, लिस्ट आप रिफ्रेश कर सकते हो। मल्टी सेलेक्ट, आप मल्टी मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करके आप एक साथ टास्क क्रिएट कर सकते हो कन्वर्ट का टास्क, ठीक है, जो हो रहा होता है मतलब प्रोग्रेस में है या फिर हो गया होता है, यहाँ पे दिखाता है वो। मोर ऑप्शन, चलो इसमें जाकर देखते हैं हम क्या क्या है। सेटिंग्स में देखो, अपीयरेंस मतलब इस एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कलर, ये सब थीम, ठीक है। व्यू फोल्डर्स, जो फोल्डर मतलब आप चाहते हो कि जो जो फोल्डर मतलब आप कस्टमाइज करना चाहते हो कि मेरे ये फोल्डर CC स्कैन कर रही है और बाकी फोल्डर मतलब स्कैन ना करे, फालतू जैसे कि व्हाट्सएप के वीडियोस स्कैन ना करे, ये सब चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते, दे सकते हो। फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब कौन कौन से फाइल आपको चाहिए, MP3, MP4 या फिर FLV या फिर MKV, ये सब अलग अलग एक्सटेंशन से आप दे सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग के भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि OGG, OCG ऐसा कुछ होता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, तो आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो, दिखा सकते हो। यूजर डेटा मैटर था, ये आपका मतलब स्टोरेज डिफॉल्ट, जब ये कन्वर्ट होगा या फिर जो आप काटोगे जो सेव करोगे मतलब कन्वर्ट होने के बाद जो फोल्डर कहाँ पे जाए वह यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हो कि कौन से फोल्डर में ये डिफॉल्ट जाए। अगर आपको कुछ गड़बड़ हो गया, अगर आपको लगता है कि यहाँ सब कुछ उल्टा पुलटा हो गया, आप इसमें डबल टैप करके रीसेट कर सकते हो पूरा। इसमें मतलब आप जितने टास्क होते हैं आप इसमें क्लियर कर सकते हो सारा चीज। Stop recording, out of list. 4 minutes 49 seconds. ठीक, बैक चलते हैं हम। Back. Media. Untitled on top. Back. ठीक है। MC Media Converter. More options button selected.
यह सेलेक्टेड है, ये बोल नहीं रहा, ठीक है, ये एक्सेसिबल नहीं है, यही दो चीज़ें जो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन ये कर्सर हमारा पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा जो जो मतलब इस एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट लोकेशन, मतलब का किस किस जगह पे हमारा फाइल्स पड़े हुए हैं, मीडिया पड़े हुए हैं, वो दिखा रही है। लेकिन इसके बाद जस्ट आप स्वाइप करोगे एक बार तो ये बोलेगा तो नहीं, लेकिन वहाँ पे कर्सर चला जाता है, ठीक है, जो देखने वाले हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे, वो चला कर्सर चला जाता है, ठीक है। आप उसको डबल टैप कर दोगे तो सेलेक्टेड बोलेगा, ठीक है, सेलेक्टेड। अब ये क्या हुआ, आपके SD कार्ड को सेलेक्ट कर लिया, आप इसमें अलग अलग फोल्डर में जाके आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से फोल्डर में कौन सा आपको करना है, ठीक है। आपको फिर से वापस आना है तो आप फिर से बैक स्वाइप करो एक बार, नहीं बोल रहा फिर एक बार बैक मोर ऑप्शन बोल रहा, ठीक है, एक बार स्वाइप करना, फिर इसमें डबल टैप कर देना है सेलेक्टेड, वापस उसमें आ जाता है, ठीक है। ऊपर मतलब दो कैटेगरी बना हुआ है, एक वो डिफ़ॉल्ट अपना सेलेक्ट कर लेता है और एक में SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है कि आप खुद SD कार्ड सेलेक्ट करके आप खुद अपने फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, रिंगटन में एक रिंगटन सेलेक्ट करता हूं मैं, stop recording out of keyboard solo underscore keyboard solo 0b6x3392-d2-4-2-f0c-b0b6d select कर लेते हैं, select कर लिया। ये एक रिंगटोन है, ठीक है, रिंगटोन है। इसको मैं ये MP3 में है फिलहाल, तो /storage/emulated/0/mylee/rinkton/details में हम जाके देख सकते हो सारे MP3 क्या है, इसका फॉर्मेट MP3 में, ठीक है। देखो MP3, अगर आपका यहाँ पे MP4 होता तो यहाँ पे आप डायरेक्टली MP3 में कन्वर्ट, या फिर कोई भी वीडियो होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे MP3 इसमें क्लिक करके आप MP3 में कन्वर्ट कर सकते थे इसको, ठीक है। लेकिन मतलब मुझे और भी कुछ दिखाना है आपको, कन्वर्ट टू MP4 करोगे तो वो जो ये MP3 है ये ऑटोमेटिकली MP4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब MP3 से MP4, लेकिन ग्राफिक नहीं होगा, सिर्फ MP4 इसका बन जाएगा, जैसे कि यूट्यूब में या फिर अलग अलग जगह पे आप शेयर कर सकते हो जिसमें सिर्फ वीडियोज़ ही डलते हैं, ऑडियोज़ नहीं डलते, ठीक है। एक्सपर्ट मोड बटन, ये एक्सपर्ट मोड है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, चलो देखते हैं क्या क्या मिलते हैं। देखो आउटपुट प्रोफाइल, मतलब कौन से आउटपुट में, मतलब किस चीज किस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। ड्रॉप डैश डाउन मेन्यू MP3, MP3 सेलेक्टेड है, MP4 ओपन, MP4 ओपन, MP4 ओपन, ऑग फ्लैग, ठीक है, TCP ओपन, भी है, आप देख लीजिए, AVI, ठीक है, बैक ओपन पेरेंट बैक 1, MP2 क्लोज पेरेंट, बहुत सारे ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, FLVV है, तो ये अलग अलग फॉर्मेट है। सपोज मैं इसको 3GP में सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्टेड टिक MP3 सेलेक्टेड 3GP ओपन पेरेंट H2 3GP सेलेक्ट कर लिया है, कस्टमाइज्ड 0000-0017-214 का है, ये ड्यूरेशन दिखा रहा है, वीडियो नहीं, आउटपुट ऑडियो टिक ठीक है, ये मतलब दिखा रहा है कि मतलब वीडियो की ऑडियो है, ठीक है। जीरो ड्यूरेशन स्टार्ट, स्टार्ट आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो, ठीक है। स्टार्ट जैसे कि आपको शुरू में कुछ फालतू के पर आप उसको छाटना चाहते हो, अलग कट करना चाहते हो, तो आप उस टाइमिंग को आप याद कर लो और यहाँ पे आप उस टाइमिंग को डाल दो, ठीक है, यहाँ पे 00:00:00:00:00 डबल टैप करोगे आप अलग अलग बने हुए, ये आवर का है, ये मिनट का है, tap to act called zero edit box, ये सेकंड का है, decrement button, tap zero edit decrement button colon increment button, ये increment और decrement बोल रहा है, ये असली में increase और decrease का बोल रहा है, ठीक है, जो बटन है increase और decrease करने का बता रहा है, ठीक है। zero edit box, ये मिनी सेकंड्स का है, tap and hold decrement button, ये decrease बटन है, ठीक है, tap to activate, तो मैं दिखा दिया यहां पे, बैक करते हैं, back web view media converter, ठीक है, media converter output video not ticked switch 00:00 duration end, अब ये ड्यूरेशन एंड है, इसके अगला ऑप्शन मिलेगा आपको ड्यूरेशन एंड, मतलब आपको कहाँ तक ऑडियो ख़त्म करना है एंड का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पीछे भी मतलब कुछ कुछ फालतू के हो जाते हैं तो आपको कट करना होता है, तो आप इसमें
इस वाले ऑप्शन में, ठीक, इसके बाद वाले ऑप्शन में आप टाइमिंग डाल सकते हो और अपना मतलब सेलेक्ट कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक का मुझे ऑडियो चाहिए या फिर वीडियो चाहिए, दोनों के लिए ये काम आता है, वीडियो के लिए भी ऑडियो के लिए भी, ठीक है। 0% सीट कंट्रोल, ये सीट कंट्रोल है मतलब प्ले का, ठीक है, मतलब प्ले और मतलब जो आप म्यूजिक प्लेयर या फिर वीडियो प्लेयर में आप जो सीख होते हैं उसमें जो मूव कर रहा होता है वही होता है ये BTN play button. ये बटन प्ले है, आप प्ले करके देख सकते हो, स्टॉप का भी है, BTN set start button. आप स्टार्ट में भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट है, BTN set end button. ये यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे यहीं से आप टाइमिंग चेक कर सकते हो, crop none. Crop none नहीं, ठीक है, keep original, मतलब आप चेंज चाहो तो मतलब यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दो, ओरिजिनल हटा के यही रख दो ऐसा करके, video quality colon keep original frame rate colon auto, ये फ्रेम रेट मतलब ये कुछ कुछ वीडियोस में मतलब थोड़ा वीडियो रुक रुक के अगर आ रहा होता है तो ये यहाँ पे काम आ जाता है थोड़ा उसके फ्रेम रेट बदल देने के लिए, स्पीड या फिर स्लो करने के लिए, कोई वीडियो को आप स्लो करना चाहते हो या कोई वीडियो को आप फास्ट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन से आप कर सकते हो, ठीक है। रेजोल्यूशन ये बेसिकली मुझे लगता है साउंड में ही थोड़ा एनहांस करता है, उतना ज़्यादा वीडियोज में तो करता नहीं है मुझे नहीं लगता है। /storage/emulated/0/media/converter/ ये by default कहाँ पे आपका फोल्डर मतलब सेव होगा, यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप, rename as, rename भी कर सकते हो, keyboard solo_and_0db छोड़ दीजिए, media name/convert convert में double tap कर देना है, उसका देखिए यहाँ पे progress हो रहा होता है, convert finished, keyboard solo underscore and ठीक है, convert finish हो गया है, 002-Bacara/IPs/Keyboard/Solo_and_0db/Sync/Screen/Zero02-Bacara/Play/Cursor/Keyboard/Solo_and_0db/Sync/Screen/Zero02-Bacara/Play/Cursor/Keyboard/Solo_and_0db/Sync/Screen/Zero02-Bacara/Play/Cursor/Keyboard/Solo_and_0db/Sync/Screen/Zero02-Bacara/Play/Cursor/Keyboard/Solo_and_0db/Sync/Screen/Zero02-Bacara/Play/Cursor/Keyboard/Solo_and_0db/Sync/Screen/Zero02-Bacara/Play/Cursor/Keyboard/Solo_and_0db/Sync/Screen/Zero02-Bacara/Play/Cursor/Keyboard/Solo_and_0db/Sync/Screen/Zero02-Bacara/Play/Cursor/Keyboard/Solo_and_0db/Sync/Screen/Zero02-Bacara/Play/Cursor
Alan Walker dash Black Eyed Peas pump keyboard solo underscore 0 db 632 dash d 2 dash 4 2 dash at 0 c dash bay 0 plus 60 c 220 83 gp 16 slash 12 slash 18 321 pm 470 ap magnification on 500% format tap to activate tap and hold the long press डिक्रीज कर दिया है. तो यही था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा ऑडियो को वीडियो में बना के और वीडियो को भी ऑडियो में बना सकते हो. ठीक है, थैंक यू.